अक्सर रेप अथवा छेड़छाड़ की घटनाओं के बाद इन घटनाओं के लिए लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो लड़की के कपड़े, उसके अकेले होने या फिर उसके गलत वक्त पर बाहर रहने जैसे विषय उठाए जाते हैं। नए साल पर बेंगलुरु में हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद मलाइका अरोड़ा ने ऐसे सवाल उठाने वालों की सोच पर करारा थप्पड़ मारा है। अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए मैसेज में मलाइका ने सवाल उठाया है कि अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर रही हैं, तो जो लड़के उन्हें छेड़ते हैं क्या वह भारतीय सभ्यता की नकल कर रहे हैं। मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक काला फोटो डाला और उसके साथ अपना मैसेज लिखा। मलाइका ने लिखा, सो मैं अपनी सहेलियों के साथ एक बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर की भीड़ भरी सड़कों पर पार्टी करने के लिए गई थी। वे बड़ी तादाद में वहां आए और हमारे साथ छेड़खानी और बदतमीजी की, लेकिन मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सो अगली बार मैं एक डिस्कोथेक में गई, वो चारों तरफ से बंद था और वहां बाउंसर भी थे। वे उस जगह के भीतर आए और हमें पीटा और हमारे कपड़े फाड़ डाले, लेकिन मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने गई, उन्होंने मुझे एक बस में धकेला और मेरे प्राइवेट पार्ट में लोहे की छड़ डाल दी, लेकिन मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सो मैं अपने कॉलेज गई थी शिष्ट सलवार कमीज में पूरी तरह ढकी हुई, उन्होंने एक कोने में मुझे पकड़ लिया और मुझे दबोचा, लेकिन मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सो मैंने घर में ही रहने का फैसला किया, उन्होंने दरवाजा तोड़ डाला, मुझे बांध दिया और फिर जो जो मुझसे करवाया उसका वीडियो टेप भी बनाया, लेकिन मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सो मैं अपने परिवार के पास रहने के लिए लौट आई, पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती हुई। वे मेरे चाचा थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त मुझे भतीजी की तरह नहीं देखा जब उन्होंने मुझे मेरे कपड़े उतारने पर मजबूर किया और फिर मेरे साथ मनमानी की, लेकिन मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सो इन दिनों मैं बाथरूम में बैठी रहती हूँ, उसे कस कर बंद करने के बाद बाहर बिल्कुल नहीं निकलती। वे सामने वाली इमारत की छत पर खड़े रहते हैं मेरे बाथरूम की खिड़की से झांकते हुए, लेकिन मैं नहाती नहीं, लेकिन मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं बिल्कुल वैसी हो चुकी हूँ जैसा वे मुझे हमेशा से देखना चाहते रहे हैं। मेरी आत्मा टूट चुकी है, पलटवार करने की मेरी क्षमता खत्म हो चुकी है, कुछ कर गुजरने की मेरी इच्छा खत्म हो चुकी है। मैं उनकी दया पर निर्भर हूँ। अब भी बाथरूम में फंसी हुई और उस वक्त के इंतजार में डरती हुई जब वे मुझे पाने के लिए यहाँ भी आ जाएंगे और दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया जाएगा। मैं वो भारतीय लड़की हूँ जो खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, देश के लिए मेडल जीत कर ला सकती है, सेना में भर्ती हो सकती है, सीईओ बन सकती है, अंतरिक्ष में जाकर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब मैं इस बाथरूम से बाहर आ सकूंगी, लेकिन मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सो मैसेज के आखिरी में मलाइका ने डिस्क्लेमर लिखते हुए सवाल किया कि अगर छोटे कपड़े पहनने वाली, शराब पीने वाली और पार्टी करने वाली लड़कियां पश्चिमी सभ्यता की नकल कर रही हैं, तो क्या लड़के जो उन्हें छेड़ते हैं भारतीय सभ्यता की नकल कर रहे हैं। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।